हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो अलाहाबाद हाई कोर्ट से आपकी जो आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो नई भर्ती है वो आने वाली है और आपको अपडेट भी दी थी कि बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा और उसमें सारी चीज़ें जो डिटेल में हैं वो आपको बताई भी थी कि आप एकदम लगे रहिए तैयारी में और जैसे ही ये जो भर्ती है वो आएगी तो आपको इसके लिए जो ज़्यादा समय है वो नहीं मिल पाएगा और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको दो से ढाई महीने का जो समय है या तीन महीने का ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं वो मिलेगा और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम करवा लिया जाता है और बहुत ही जल्दी ये जो अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हुई थी और जो विद्यार्थी नए हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो लोग भी जान लें कि बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और नोटिफिकेशन के दो तीन महीने के अंदर ही आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाता है और सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट कर देते हैं ये लोग तो आप लोग ये सोच करना बैठे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी जो तैयारी है वो करना स्टार्ट करेंगे अभी से आप लगे रहिए एकदम जोर शोर के साथ क्योंकि आपको पता है कि यू पी से भी आपका जो आर ओ आर ओ का नोटिफिकेशन है वो आ रहा है तो एक आप तीर लगाएंगे ना उससे दो निशाने जो हैं वो लग सकते हैं तो आप बिल्कुल एकदम लगे रहिए जोर शोरों के साथ और बहुत जल्द आपको जो इसका नोटिफिकेशन है अलाहाबाद हाई कोर्ट का वो देखने को मिलेगा लेकिन इस बार जो है आपको बहुत संभल कर रहना है संभल कर ऐसा रहना है कि अभी से लगे रहिए बाद का इंतज़ार मत करिए क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत जो तगड़ा है वो होने वाला है और इसके कुछ जो रीज़न है वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्यों आखिर इतना जो कंपटीशन है वो इस बार बढ़ जाएगा क्योंकि लगातार ऐसा नहीं कि हर साल ये जो वैकेंसी है वो आती हो लेकिन जो बच्चे हैं जो बेरोज़गारी दर है वो लगातार बढ़ रही है ग्रेजुएशन कर करके बच्चे हर साल कंपटीशन की तैयारी में एंट्री लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और जो लगातार फेल हो रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग तो है ही हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बार जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है और भी बहुत सारे रीज़न है जैसे कि एक तो ये है कि अलाहाबाद कोर्ट की नौकरी है एक आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी इतना अच्छा पद है अड़तालीस सौ ग्रेड पे की आपको नौकरी मिलेगी आप गजटेड ऑफिसर जो है बनेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि आप अलाहाबाद हाई जो हाई कोर्ट है उसी में पोस्टेड होंगे या फिर आपको लखनऊ में जो ज्वाइनिंग है वो मिलेगी तो केवल दो ही जगह होना है यानी कि इसमें ट्रांसफ़र वगैरह का भी ये झाम नहीं है कि आप कभी यहाँ या कभी वहाँ आपको बढ़िया सा शहर मिलेगा या तो इलाहाबाद या फिर लखनऊ तो इस वजह से भी लोग इसकी तरफ जो आकर्षित हैं वो होते हैं अलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि यूपी में वैकेंसी तो वैसे भी नहीं आ रही है और जो आती थी तो अब पैट का जो झाम है वो हो गया है कि पैट होगा फिर वैकेंसी आएगी तो पता ही है आपको कि सारे बच्चे तो उसमें एलिजिबल होते नहीं हैं कुछ ही गिने चुने बच्चे एलिजिबल वो एलिजिबल होते हैं तो बाकी के कहाँ जाएंगे इस वजह से इसमें और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है सारे बच्चे इसमें जो फॉर्म वगैरह है वो फिल करते हैं और जो पी वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो आर ओ का एग्ज़ाम तो देखते ही हैं तो इस तरफ के आर ओ यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आर ओ क्यों ही छोड़ें तो ये भी एक कंपटीशन बढ़ाने का वो हो जाता है कि पी वाले बच्चे भी इसमें एंट्री कर जाते हैं और चौथी चीज़ ये है कि जो अभी तक आपके एस के बच्चे उतने नहीं आते थे पी वगैरह के एग्ज़ाम में तो अब एस वाले बच्चे भी पी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं आर ओ आर ओ का देते हैं तो इसका सिलेबस एस एस सी जैसा है कह सकते हैं मिलता जुलता है तो वो बच्चे भी इसमें एंट्री मारते हैं तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है उनका मैथ्स और इंग्लिश तो वो रहता ही है इसमें भी आपको पता है मैथ्स इंग्लिश तो ये सारी चीज़ें पूछता ही है और जी एस वगैरह तो जी एस 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 सी में भी अब आपका मेन्स के एग्ज़ाम में पूछने लगा है तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो बच्चे भी यहाँ पर एंट्री मर जाते हैं मार जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा है और इस बार और ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि वैकेंसी आपकी दो साल बाद आ रही है और ठीक ठाक पदों पर आएगी और इसका रुतबा वगैरह तो आपको बता ही दिया है कि किस वजह से जो बच्चे हैं वो आकर्षित तो होते हैं इसकी तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं तो कंपटीशन बहुत अच्छा और तगड़े लेवल पर होने वाला है तो अगर आपको फ़ाइट करनी है सिलेक्शन लेना है तो अभी से लगे रहिए सेल्फ़ मोटिवेट होइए और देखिए सिलेबस क्या है वो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहिए अभी टाइम है फिर पता चला नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद टाइम ना रहे तो अभी इसीलिए बीच बीच में हम लोग जो रेगुलर वीडियोस हैं वो आपको देते रहते हैं कि चलिए इसके माध्यम से आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे और जो जानकारी है वो भी आप तक पहुँचती रहे तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर यू पी के हाँ जो आर ओ आर ओ की वैकेंसी आ रही है या अदर जो कंपटिटिव जो वैकेंसी हैं उनसे जो अपडेट आती है उनकी तो उन्हें लगातार पाते रहने के लिए आपको जो ये चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो चलिए थैंक यू